कांग्रेस पार्टी में माँ बेटे के अलावे कोई मिठाई पड़ता है? अरे बोलो ना भाई, दिखाई पड़ता है क्या? और हिमाचल में भी माँ बेटे के अलावे कोई दिखाई पड़ता है क्या? शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए। इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं और बड़ी लंबी फहरिस्त है। नमस्कार, द कंटाप न्यूज और मेरा नाम है निशा सिंह। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। देव भूमि को जीतने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल, बीजेपी में नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह तक। कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी, हर कोई इन दिनों देव भूमि के चक्कर काट रहा है। इसी बीच बयानबाजी भी चरम पर है, एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत आमने सामने आ गए हैं। जहां हिमाचल चुनाव में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस में परिवारवाद इस कदर हावी हो चुका है कि युवाओं को कोई मौका नहीं मिलने वाला है। अमित शाह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद को लेकर भी तंज कसा है और कहा है कि अब राजा रानी का वक्त नहीं है, जमाना जनता का है, लोकतंत्र का पर्व आ गया है। कांग्रेस पार्टी में माँ बेटे के अलावे कोई दिखाई पड़ता है? अरे बोलो ना भाई, दिखाई पड़ता है क्या? और हिमाचल में भी माँ बेटे के अलावे कोई दिखाई पड़ता है क्या? अगर माँ बेटों ने ही पार्टी चलानी है तो मेरे युवा साथियों, आपकी जगह कहाँ रहेगी क्या? वही अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुनेत ने भी पलटवार किया। सुप्रिया सुनेत ने न सिर्फ अमित शाह को उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दिया बल्कि बीजेपी पर भी जमकर कटाक्ष किया है। सुप्रिया सुनेत ने ऐसे नामों की झड़ी लगा दी जो बीजेपी में परिवारवाद से पनपे हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया सुनेत ने लिखा, सुना है कल अमित शाह बड़े बाप के बेटे और बेटियों को याद कर रहे थे। शाह साहब एक नजर इधर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुनेत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंजू खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अरुण अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजयवर्गीय पुत्र कैलाश विजयवर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। ये हमारे तो नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए हैं। इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं और बड़ी लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुनेत ने अमित शाह और उनके बेटे जय शाह का नाम लिया, पंकज सिंह और राजनाथ सिंह का नाम लिया, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनीलाल पटेल का नाम लिया। उसके बाद उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम लिया और ये कहकर संबोधित किया कि पहले हमारे हुआ करते थे। इस तरह उन्होंने कई और नेताओं के नाम भी गिनवाए। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुनेत द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर अब सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, जिसमें कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं सुप्रिया सुनेत ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि बीजेपी सबसे पहले तो ये बताएं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस बड़े बाप के बेटे हैं। बीजेपी पर बरसते हुए सुप्रिया ने कहा कि इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आप किस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।